द हिंदू के एक्सप्लेन सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। तो द हिंदू ने एक्सप्लेन सीरीज में आज हमें रिजर्वेशन फॉर वुमन इन पॉलिटिक्स का टॉपिक दिया है, इस पर डिस्कशन किया है। तो हम ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें द हिंदू ने ये कहा है, कहने की कोशिश किया है कि ये मुद्दा जो है, जो रिजर्वेशन का मुद्दा है वुमन के लिए, कोई नया नहीं है, ये पुराना मुद्दा है। तो ये सबसे पहले कब उठा था, तो 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम उठा था। तो इसमें रिजर्वेशन को लेके वुमन के, तो सबसे पहले बेगम शाह नवाज एंड सरोजिनी नायडू ने थ्री कॉन्स्टिट्यूट बॉडी जो थी उसके ये मेंबर थे, लीडर थे, और उन्होंने वुमन के लिए आवाज़ उठाई थी कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए इन पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। लेकिन इस अंग्रेज़ों ने उसको, उस बात को नहीं किया, डिक्लाइन कर दिया और रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया। फिर जब हमारा देश 1947 के टाइम आया, तो उस समय फ्रीडम फाइटर जो थे रेणुका रॉय, उन्होंने इस बात मैटर को हाईलाइट किया कि कंट्री जब फ्रीडम पाएगी और पावर में आएगी तो हम वुमन को गारंटी के साथ उसका हक प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वो अभी बस्ता में चला गया, कुछ नहीं हुआ। देन एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बैठाई गई उसके बाद 1971 में। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी 1971 में जो आई, वो उन्होंने वुमन को लेजिस्लेटर बॉडी में पार्टिसिपेट करने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की, और लेकिन वो सभी पॉलिटिकल स्टेट लेवल पर नहीं प्रोवाइड की, वो लोकल बॉडी, केवल लोकल स्टेट लोकल बॉडी में, पंचायती राज में बात की कि हाँ ग्राउंड लेवल पर ही केवल वुमन पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके लिए उन्होंने नेशनल परस्पेक्टिव प्लान फॉर वुमन 1988 में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया पंचायती राज में। जब पंचायती राज में 1988 के परस्पेक्टिव नेशनल परस्पेक्टिव प्लान के तहत वुमन को अगर रिकमेंडेशन दिया गया, तो उसके बाद शुरुआत हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फोर्समेंट की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फोर्समेंट लाने के लिए सबसे पहले तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जिसमें पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाए। तो राजीव गांधी के टाइम ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि पंचायती राज को हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दें। तो पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 74 और 73rd अमेंडमेंट किया गया, और जिसमें मैंडेटरी किया गया गवर्नमेंट 1/3 सीट जो है वुमन को पंचायती राज में प्रोवाइड करेगी, और 1/3 सीट जो है वुमन को प्रोवाइड किया गया। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जैसे आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरला है, यहाँ पर तो लेजिस्लेटिव ने 50% रिजर्वेशन दिया है लोकल बॉडी में। अब यहाँ पर लोकल बॉडी का तो मुद्दा ख़त्म होता है, लेकिन हाँ एक और प्रॉब्लम लोकल बॉडी में कि लोकल बॉडी में अगर हम देखा जाए तो द हिंदू में एक और आर्टिकल छपा है जो आज हमें डिस्कशन किया जाएगा टाइम मिलेगा। तो इसमें वुमन के सस्टेनेबल मॉडल की बात किया गया लीडरशिप में, तो इसमें भी यही बात किया गया है, घुमा फिरा के कहा गया है कि जो वुमन है पंचायती राज में तो पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन उसका कंट्रोल जो होता है मेल के पास होता है, यानी हस्बैंड या फादर के पास होता है। तो वहाँ पर यही बात है कि पंचायती राज में वुमन तो पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन पंचायती राज में पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी वो अपने पावर, अपने वजूद को कोई सिंबल नहीं दे पा रही हैं। वो क्या कर रही हैं कि केवल स्टंप की तरह काम कर, रबर स्टंप की तरह हो गई हैं बस। उनका हर निर्णय, हर डिसीजन उनके हस्बैंड या फादर के द्वारा लिया जाता है। तो उस पर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको कभी और डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ पर वुमन रिजर्वेशन बिल की बात होती है। अब वुमन रिजर्वेशन बिल जो अब हमें लोकसभा में चाहिए, राज्यसभा में चाहिए, या तो स्टेट असेंबली में चाहिए। तो राज्यसभा तो छोड़ी, हम लोकसभा की यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा में बिल लाई गई, सबसे पहले 81 अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और 1996 की बात है ये, जब देवगौड़ा की गवर्नमेंट थी। तो उस समय देवगौड़ा गवर्नमेंट ने 33% के लिए बिल लाया था, लेकिन ये बिल
लैप्स कर गया है क्योंकि लोकसभा से ही पारित नहीं हो पाया, लोकसभा में ही इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिली। तब उसके बाद क्या हुआ कि देवगौड़ा साहब की सरकार चली गई। जब देवगौड़ा साहब की सरकार चली जाती है तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, जिस NDA को आते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं। 12th लोकसभा की बात है तो 12th लोकसभा में 1998 में इस बिल को पुनः लाया गया, लेकिन ये बिल फिर लैप्स कर जाती है, लोकसभा से ही पारित नहीं होती है। तो इसी तरह से ये 1999, 2002, 2003 में बार बार इस बिल को लाया जाता है, हर बार ये मेजोरिटी न पाने के कारण फेल हो जाती है। लेकिन क्या हुआ, अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनमोहन सरकार ने 2008 में राज्यसभा से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। UPA गवर्नमेंट थी, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट थी, तो UPA गवर्नमेंट ने राज्यसभा में लाया और राज्यसभा में जब इंट्रोड किया तो 186 वोट से ये बिल राज्यसभा से तो पारित हो गई 2010 में। लेकिन क्या हुआ कि जब लोकसभा का 15वां लोकसभा जब चल रहा था तो उसमें ये पारित न होने के कारण ये बिल को कभी लोकसभा में कंसिडर ही नहीं किया गया और ये बिल लैप्स हो गई। तो बिल लैप्स हो गई, उसी टाइम JDU के जो शरद यादव थे, लीडर सांसद थे, उन्होंने एक बात कही थी जो बहुत ही कंट्रोवर्सी की बात बनी थी। कही थे कि शॉर्ट हेयर वुमन, छोटे छोटे बाल, छोटे बाल रखने वाली औरत जो है हमारे गांव की औरतों को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी और उस कंट्रोवर्सी का 2008 वाली जो बिल थी मनमोहन सरकार की, वो लैप्स हो गई और पारित नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2010 की बात आई तो इसमें BJP ने 33% वुमन रिजर्वेशन देने की बात की थी अपने मैनिफेस्टो में, और 2019 में भी एजेंडा था कि हाँ वुमन को रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। तो उसी मुद्दे को लेते हुए हाँ क्या बोलते हैं कि वुमन के रिजर्वेशन के लिए ही कविता नाम की एक सांसद है जो तमिलनाडु की हैं, उन्होंने हड़ताल शुरू किया, स्ट्राइक शुरू किया, 6 घंटे का स्ट्राइक था, उसके बाद अरेस्ट हो गई। तो यहाँ पर आर्गूमेंट किया गया है बिल के तहत, ये रिजर्वेशन बिल को लेके इंडिया है तो देखा जाए तो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो पार्लियामेंट में वुमन का रिप्रेजेंटेटिव है ओनली 14% ही केवल रिप्रेजेंट कर रही हैं वुमन इन पार्लियामेंट में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। क्योंकि किसी भी सोसाइटी का जो वुमन होती है ओरिजिन होती है, विदाउट द वुमन वी कैन नॉट द फार्म एनी सोसाइटी। सो वुमन के लिए हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो अपने पोजीशन को प्राप्त करें और सोसाइटी में भागीदारी कर सकें, पार्टिसिपेट करें और सोसाइटी को आगे ले जाएं। इसलिए हम यहाँ तक कि हम अगर देखते हैं पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, बांग्लादेश को, तो वो भी हमारे से बेटर रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं वुमन को। तो ये रहा आज का हमारा एक्सप्लेन, थैंक यू वेरी मच।